वेरी गुड मॉर्निंग गड़ेओ, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज है डे टू का स्टार्टिंग और सुबह के ऑलमोस्ट 5:30 हो रहे हैं, 6 बज रहे हैं यार। नहीं, एक्चुअली में 6:30 हो रहे हैं। और हमारे साथ है हमारे गेस्ट अपीयरेंस सर, एक बार थोड़ा आपका कैमियो है। शेंगी भाई सुबह सुबह 4 बजे आ गए, 15 किलोमीटर मैं भाग के नहीं आया, झांझ में आया हूँ, झांझ में 4 बजे कार्डियो करके आया हूँ दोस्त। हाँ ये तो है, ये रनिंग बहुत करते हैं ना एक्चुअली। कितना मैक्सिमम कितना करा आपने दिन का कि हफ्ते का? नहीं हफ्ते का बता दो। चलो आप दिन में 6 किलोमीटर तो हफ्ते में 7 दिन 40-50 किलोमीटर इनका नॉर्मल है। फिटनेस खैर मैं अभी दिखा नहीं सकता, खैर वो अभी अपनी उसमें अभी मैं तैयार आयरन मैन के लिए तैयार कर रहा हूँ। सच में आयरन मैन के लिए तो उसमें तो 4 चीजें और चाहिए होती हैं, स्विमिंग और साइकिलिंग। साइकिलिंग वगैरह सब चल रहा था, चल रहा है सब सेट है मामला। स्विमिंग का ये मान के चलो अगर मुश्किल से एक बारी में तो 2.5-3 किलोमीटर और साइकिलिंग तो फिर आपको पता ही है, मतलब साइकिलिंग इज इजी जॉब, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। और भाई जी जो है अभी पहले पौड़ी में थे बढ़िया, और अब आ चुके हैं देहरादून में परमानेंटली आ चुके हो आप। हाँ। मिस कर रहे हो पौड़ी को? मिस कर रहे हो पौड़ी यार? आई लव पौड़ी, आई लव पौड़ी है, क्या बात है। उसकी वाइब अलग है भाई साहब, टेका की जो वाइब है ना। क्या जगह है यार पौड़ी, बेहतरीन है। चलो ठीक है, देहरादून भी अपना ही शहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मोर ऑर लेस ठीक है। तो भाई चलिए हम तो निकल रहे हैं शूट पे, और आशु जो है आ नहीं रहा है जानबूझ के, मैं 4 बार भूल दिया मैंने। चल चल नहीं नहीं मेरा थोड़ा है इधर काम। क्या काम है भाई? आप स्मार्ट लग रहे हो बहुत। क्या बात कर रहे भाई, गाने में कुछ हो पाएगा? कुछ गाना टी सीरीज का है तो अच्छा मिल रहा है पैसे। टी सीरीज का गाना है? किसने बोला टी सीरीज का? डायरेक्टर साहब ने। अब वो उनका पर्सनल काम है, वो उनको प्रोजेक्ट मिला हुआ 12 टी सीरीज की वीडियोस का। पर नहीं मैंने गाना सुना, बहुत मस्त है, बहुत प्यारा गाना है। गाना तो बहुत बढ़िया है, नो डाउट। म्यूजिक भी बहुत अच्छा है उसका, और जिस हिसाब से शूट चल रहा है अभी मेरे को लगता है कि वीडियो आउटपुट भी अच्छा आ जाएगा, क्योंकि जी भी बहुत बढ़िया, थोड़ा सा बढ़िया हो गया लोकेशन वगैरह, बढ़िया से शॉट वगैरह बढ़िया। और आज फाइनल है, और अभी 12 बजे तक हमारा कोशिश है कि हम निपटा लें, उसके बाद जो है वो गाना। सर 12 बजे तक तो मुश्किल हो पाएगा, देखिए अब भगवान ने चाहा तो 12 बजे से पहले हो जाए टाइम पे, फिर दिल्ली भी निकलना है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि वहीं से तो निकल जाऊँगा मैं। तो वो चलना है दिल्ली भाई? नहीं नहीं दिल्ली तो बॉडी रहेगा कुछ दिन, अब गाँव सीधा गाँव परमानेंट है ना? नहीं अब कुछ दिन के लिए गाँव, फिर कुछ दिन के लिए फिर आऊँगा दिल्ली, फिर रुकूंगा दिल्ली से बाहर, मोटा रुकेगा थोड़ा सा। चलो ठीक है, थोड़ा जान पड़ताल करके ना। चलो ठीक है, रिपोर्ट लेके आ रहा हूँ तो। चलो भाई ठीक है, अभी हम लोग निकलते हैं शूट के लिए, और बेस्ट विशेस, बहुत बहुत थैंक यू भाई, मजा आएंगे। चलो मजा आएंगे, बिल्कुल मजा आएंगे। शैंकी भाई भी निकल रहे हैं, और हम तो निकल रहे हैं शूट के लिए, और ब्रांड न्यू बैंकर, ये सही चल रही है? जो रिव्यू चल रहे हैं इसके वैसे सही है कि आग लग जाती है, हो जाता है बैटरी फूक जाती है? दूसरी है ये बार आग लगी है। सही में लगी थी क्या? बट रिव्यू कैसा है आपका, पर्सनल रिव्यू कैसा है? आपने ये नहीं पूछा कि इस गाड़ी का नंबर 2403 क्यों है? क्योंकि मैंने लिया है पैसे नहीं, देके। इसका कोई लॉजिक है सर? बताओ सर। देखो यूके जीरो, यूके मतलब हमारा उत्तराखंड 07 देहरादून, ऐसे ही नहीं बता मेरे को, ये सीरीज है, ये 24 है, मेरी बीवी का बर्थडे, और ये 03। क्या बात कर रहे हो? हाय भाई, तभी इतना हर गर्मी में आग लगती है। रिव्यू बताओ ना, कैसा रिव्यू है आपका? अच्छी गाड़ी है, अच्छी है, परफेक्ट। और यार कल जो डे वन का जो शूट था वो बहुत ज्यादा मतलब पौच पौच में हुआ है, मतलब मौसम कभी बारिश हो रही है, कभी अंधेरा हो जा रहा है, कभी उजाला हो जा रहा है, तो मतलब कल बहुत सारे चैलेंजेस हमने शूट के टाइम पे फेस किए हैं। बट एनी हाउ जो शॉर्ट डायरेक्टर को चाहिए थे वो उनको मिल चुके हैं, और आज कल हमने सेकंड पार्ट निपटाया था जो भी गाने का था, आज हम फर्स्ट पार्ट निपटाने वाले हैं। तो देखो आज डे टू कैसा होता है, आज अर्ली मॉर्निंग निकल पड़े हैं, और होपफुली जो है वो 12-1 बजे से पहले अगर शूट खत्म हो जाता है तो टाइम से जो है मैं दिल्ली भी निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे आज दिल्ली पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि कल ऑफिस में कुछ काम है।
सब प्यारा लग रहा है तो बहुत। कौन ब्रीड है ना, ब्रीड का है ना कोई है? डैशमैन ये प्योर ब्रीड एंकल प्योर है ना, यहाँ लंबा लग रहा ना काफी इसलिए। चलिए भाई अभी अपनी नेक्स्ट लोकेशन में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये है ठारना, और आज का जो शूट है वो स्कूल के बच्चों के साथ भी है, तो थोड़ा स्कूल वाला शॉट भी है। अपने सारे डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, सब लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं। ये वाला शूट कम्प्लीट करते हैं। सर आप ऐसे उदास उदास से क्यों बैठे हो? सब ठीक है? अरे माय गॉड, लाइव चल रहा है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन यार। पर हो गया थोड़ा बहुत शूट वगैरह हो गया? नहीं आपका इंतजार चल रहा है। तो बाकी एक्स्ट्रा तो ले लेंगे आपने थोड़े बहुत? नहीं चलो अभी करते हैं आज। भाई वो सारे बच्चे जो अभी हमारे वीडियो में फीचर होने वाले, एक बार हाई कर दो कैमरे में सब देख के। ये कल हाई नहीं करने रहे तू है। क्या क्या नाम है सबका जल्दी जल्दी बताओ, क्या नाम है, नाम और कक्षा? वाओ आपका? आपका? माय नेम इज अवंतिका रावत, आई रीड इन क्लास 6। क्लास 6 में? वाओ लग नहीं रहे आप। अरे भयंकर, ये तो नाराज हो रखा है कि संडे को क्यों बुला लिया आज हमको है। जल्दी आकाश अनिकेत रावत। अनिकेत रावत? अनंत रावत। कौन सी क्लास में? कक्षा 9। ये तुम तीनों दोस्तों के साथ में? तीनों 9th में हो? नहीं 8th में। 7th 9th में तो लड़ ही नहीं सकते यार। और आप? सर आज, अरे तो डायरेक्टर सर हैं। सर आप कौन सी कक्षा में? सर अभी मैं 6th में, आप जाओगे इसके बाद 6th क्लास में। बेहतरीन। स्कूल जाएगी सर। अभी का कैसा शूट है? अभी क्या है, अभी तो बच्चों के साथ है थोड़ा। बच्चों के साथ है। आपकी लिपसिंग होगी बच्चों के साथ, एक एक बच्चे के साथ आप इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है? और थोड़ा एक बच्चों वाला ही हरकत ही, थोड़ा चुलबुलापन जो आप कहते हो बच्चों के साथ करते हैं ना, बातचीत करते हुए ठीक लगेगा। अभी देखना बढ़िया बताते हैं। सब सेट है मामला, बस अब शूट शुरू करते हैं। जोड़े नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया हो, और इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। भाई तो जल्दी आने का एक रीजन ये भी था कि हमें गांव की जो है वो जो गांव की महिलाएं हैं वो घसारी के उसमें चाहिए थी। और ये देखिए सामने ये भी घास लेके आ रही है, तो इनका भी एक बहुत ही बेहतरीन शॉट है इसमें, तो अभी वो भी कवर करेंगे। और टाइमिंग जो है परफेक्टली बैठ चुकी है, और अभी देखते हैं क्या है बाकी। हाउ इज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ ब्रो? कम ऑन मैन, कम ऑन। एक से उसका डायलॉग कहता सीन का क्या ना, कम ऑन। नहीं नहीं एक और था, अब भूल गया, बहुत टाइम हो गया ना बोल यार क्या नाम है, रट रखा था वो। ब्रा मैंने जो देखा है वो यहाँ पे और किसी ने नहीं देखा, ये मैंने जो देखा है। एक्शन। बढ़िया बढ़िया भैया 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 शॉट। पानी की छलार। इन बच्चों का शूट हो चुका है, कैसा रहा बच्चों? बढ़िया बढ़िया। पहली बार किया शूट? क्या बात कर रहे हो, कितनी बार कर लिया होगा? 6 बार है। एक्सपर्ट आदमी हो तुम लोग यार, बहुत अच्छा रहा। एक्शन रोलिंग। जान दफनी यख बैठी अपनो सर्यास निहारी होली ओ मां। वापिस आ गए, और थोड़ा जो है वो कॉस्ट्यूम चेंज करना है, मतलब कपड़े थोड़े चेंज करना है, और थोड़ा मजदूरों को 5 मिनट का ब्रेक भी मिल गया। ठीक है चलो हो जाएंगे अब थोड़ा सा। अभी आप देख सकते हो पीछे कैमरा लगा हुआ है, और सुयश यहाँ पे इसके सुयश का छोटा मोटा शूट चल रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा भी लगा हुआ है, और यहाँ पे पूरा ग्रीन ग्रीन हो रखा है, पूरा यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो रखा है बढ़िया तरीके से, और मतलब मजा आ रहा है पूरा यार, मतलब पूरी वाइब है पहाड़ में, मैं क्या बताऊँ। और भाई भी बहुत खुश है आज। अभी लाइट अभी बहुत तेज थी और चेंज हो गई लाइट, अभी थोड़ा डिम हो गई है, लेकिन लाइट जब तेज है तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्टर्स का। तो अभी शॉट चल ही रहा है, और हम लोग यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, और कुछ एक पहला सीन है इसमें, घास गेहूं सब कुछ है। और ये शूट जो है अभी कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट तो नहीं हुआ, अभी गांव के कुछ फिलर्स हमें शूट करने, छोटे मोटे मूवमेंट जो हैं, और टीम की मेहनत बहुत चल रही है यहाँ पे बढ़िया। और Thank you.
ऐसे ही मैं ये देखो आपका शूट स्टार्ट हो गया। देखो अब मेरे को एक्चुअली में मेरे को शूट करना है, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो, मेरे को ऐसी बनानी है, ठीक है। तो अभी अभी यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखो यार भयंकर, बिल्कुल मतलब क्या अभी बारी है हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनके शॉट की, और गिटार ले लिया है बढ़िया, और लोकेशन है कुछ वहाँ पे धारे के पास देख सकते हो। तो बस अभी इनका एक छोटा सा शॉट है यहाँ पे, उसके बाद निकलेंगे वापस देहरादून की तरफ। बढ़िया से जो है वो अपना शूट वगैरह जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और एक बार और आपको प्रोड्यूसर साहब और कंपोजर साहब से मिला देता हूँ, काफ़ी थक गए हैं। ये हमारे राजेश चमोला भाई जिन्होंने इस बढ़िया से गाने को जो है अपनी आवाज़ दी है, और पुराने गाने भी बहुत अच्छे हैं, और हमारे साथ हमारे कंपोजर साहब भी हैं। इस बार कंपोजर नहीं है, इस बार सहायक है। जो भी है मतलब यार पुराने गाने तो बहुत अच्छे ही हैं बने हुए, तो टीम वर्क ही तो हो गया ये। तो बाकी अब मेरा एक्सपीरियंस और सीएच का एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा, बाकी आप बताओ कि हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब सच में बाद में बोलेंगे। मज़ा बहुत आया, कुल मिला के बात यह है कि हमें बहुत मज़ा आया। हम ज्यादा साथ में तो नहीं रह पाए, लेकिन जितना भी साथ में रहे उसमें मजा बहुत आया। तो हम चाहेंगे कि आगे भी हम लोग मतलब कुछ और कुछ अलग तरीके का काम आगे चल के कर पाए। बिल्कुल, और एक बार जरा हमारे जो डायरेक्टर हैं और डीओपी सर हैं उनके बारे में थोड़ा बता दो, उनका नाम वगैरह क्या है? हाँ, डायरेक्टर इज नवल किशोर सेमवाल, और जो डीओपी हमारे वो विकास सर हैं। दोनों ही बहुत मतलब एक्सपीरियंस्ड है अपने फील्ड में, उनकी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ है, और उन्होंने हमसे हमारे साथ मतलब बहुत अच्छा तरीके से काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जैसा कि भाई भी बता सकते हैं। तो अब जो भी है मतलब पूरा टीम का एफर्ट देखने को मिलेगा फाइनल वीडियो में, जो मतलब जल्द ही हम लोग इसका डेट जो है अनाउंस करने वाले हैं। बिल्कुल, दिवाली से पहले पहले जो है गाना जो है फ्यूजन 2GB के यूट्यूब पेज पे आ जाएगा। आ जाएगा, और बाकी हम नोटिफिकेशन तो हम आपको देते रहेंगे अपने ब्लॉग्स और अपने इंस्टाग्राम के थ्रू। तो होप फॉर द बेस्ट, और देखिए मेहनत की है, अब देखो उसका आउटपुट क्या आता है। बहुत मेहनत, पहाड़ी बैठी और सुयश ने बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा, मतलब थोड़ा आंसू भी आ गए थे लेकिन हमने किसी तरीके से अपने आंसू संभाले लेकिन बहुत मेहनत करी है, सच में बहुत मेहनत करी है। तो चलिए अभी मैं भी यहाँ से जो है अभी गेस्ट हाउस से सीधा मैं अभी दिल्ली की तरफ निकल रहा हूँ। कल से मंडे है, मंडे से वही मजदूरी ऑफिस वाला काम शुरू हो चुका है, और यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से भी मोटा मोटा 4-4.5 घंटा लग जाएगा। तो चलते हैं यहाँ से भी, हाँ मेरा ही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। और हमारा वो कहाँ है? कौन? अच्छा वो कौन है? मिट्टू भाई, मिट्टू डॉन, उसको सोनू सूद सर ने इनवाइट किया है यूपीएल में। ये यूसीएल क्या है पता नहीं, उत्तराखंड प्रीमियर लीग ना, यूपीएल, यूपीएल उसमें जो कि राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है, आज क्लोजिंग सेरेमनी है यूपीएल की। तो उसमें उसको सोनू सूद सर ने इनवाइट किया है, तो पर्सनल इनविटेशन है मेरे ख्याल से, शाम को उनके साथ ही रुकेंगे, उनके साथ ही है उसका प्लान, डिनर विनर वहीं है। तो मतलब अब डिनर करेगा या करवाएगा वो पता नहीं या डिनर के बाद स्वीट्स का काम मैं छोड़ों। चल ठीक है, यहाँ से कोटदार जा रहा है अभी? नहीं मैं तो रुकूंगा एक दिन, जरा तो यहाँ पे कल 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 निकलेगा आराम से, कल भाई 3-4 बजे के आसपास, वही अपना यूजुअल टाइम, पार्ट से हेडशॉट। चलो ठीक है, और BTS भी जो गाने का है वो भी देखेंगे, जल्दी डालने की कोशिश करेंगे। हमने बहुत सारे BTS बना रखे हैं लेकिन उसमें वो शॉट प्रॉपर शॉट है, तो हम नहीं चाहते गाने से पहले वो रिलीज हो। निकल से गाना रिलीज होने के बाद हम वो डालना शुरू करेंगे। तो यार अभी मैं आ गया था अपने मामा के यहाँ पे, मेरा कजन ब्रदर है जयदीप भाई, उसको भी मेरे साथ डेली चलना है, तो अभी आ रखा था, फिर यहाँ से साथ दो, तो यहाँ से फिर दोनों भाई साथ में चलेंगे, तो मिल के चल के। तो जेडी भाई मेरे साथ चल रहे हैं अभी दिल्ली, क्या काम है सर? अरे है यार ऑफिस का काम, ये लैपटॉप मिल रहा है। फिर से स्विच कर रहे हो क्या? नहीं नहीं यार, मेरे को लैपटॉप लेना है नए प्रोजेक्ट का, उसमें जा रहा हूँ, एक और एक छोटा सा कुछ है भी और पर्सनल।
चलिए भाई घर पहुंच चुके हैं और अब चलो भाई आराम करने का टाइम हो गया भाई।